हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम रेसिपी ऐप बनाएंगे रिएक्ट जेएस का यूज करके। हमारा ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर सब इंग्रेडिएंट्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पैनल खुलेगा और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इससे रिलेटेड दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोई और रेसिपी, लाइक अगर मैं बनाना सर्च करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो बनाना से रिलेटेड जितने भी रेसिपी है वो दिखेंगे। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसके इंग्रेडिएंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ऐप क्रिएट करेंगे। सो मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके ऐप का सेटअप करूँगा। सो अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप ब्राउज़र में VS कोड अगर लिखोगे, टाइप करोगे तो आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, code.visualstudio.com। इस पे जाना है आपको और यहाँ पर डाउनलोड फॉर मैक लिखा है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको विंडोज़ का वर्जन सेलेक्ट करके ये वाला इस पे ये एरो पे क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड और आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद हमको नोड जेएस भी लगेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप नोड जेएस नहीं है आपके मशीन में तो चेक करने के लिए टर्मिनल पे आना होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर node-v लिखोगे तो आपको उसका वर्जन दिख जाएगा। अगर आपके यहाँ पर कोई वर्जन नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब नोड आपके इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो आपको ये जो है LTS ये वाला वर्जन यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट शेड्यूल। ठीक है, जो भी आपका मशीन है, सपोज मैक है तो डाउनलोड्स पे जाना है। अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ का है, मैक यूज़ करते हो तो मैक। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको स्टाइलिंग करने के लिए मैं मटेरियल व्यूअर का यूज़ करूँगा। तो ये हम देखेंगे कि ये सारा स्टाइलिंग कैसे करते हैं मटेरियल व्यूअर का यूज़ करके। ठीक है, तो अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ ऐप है। मैं नया विंडो पे जाता हूँ। ठीक है, और पहले तो मैं ये जो पुराना वाला है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी जो नया मैंने विंडो ओपन किया था, ठीक है नया विंडो ओपन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, और इस पे मैं टर्मिनल पे जाऊंगा तो टर्मिनल पे जाने के लिए कंट्रोल और बैकटिक की जो टैब की के ऊपर है। ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने वाला हूँ तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना होगा, तो सीडी डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करके अपना एप्लीकेशन का सेटअप करूँगा। सो मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम देंगे हम रेसिपी ऐप। ठीक है, रेसिपी ऐप, और मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेता है तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम देखेंगे कि हम कौन सा एपीआई यूज़ करेंगे। तो अगर आप फूड रेसिपी एपीआई सर्च करोगे तो आपको ये लिंक मिलेगा, developer.edamame.com। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये फ्री है आपको, लेकिन साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा साइन अप पे और यहाँ पर रेसिपी सर्च एपीआई पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रेसिपी सर्च एपीआई स्टार्ट नाउ। यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपका डालना है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, अपना ही नाम डाल देना, डेवलपर, तो आपको डेवलपर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, एग्री करके साइन अप कर लेना। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, मैं साइन इन करता हूँ। ठीक है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो ये जो है डैशबोर्ड पे आ गया। अगर अब डैशबोर्ड पे जाएंगे
यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ। एप्लीकेशंस में अगर जाते हैं यहाँ पर आपको उसका की वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं व्यू करूँगा तो ये हमको लगेगा, एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन की, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर लो, मेरा यूज़ मत करना क्योंकि इसमें लिमिटेड रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से साइन अप करके यहाँ पर तक पहुँच जाना, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे, अभी देखते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं, अभी भी इंस्टॉलेशन बाकी है, ठीक है। सो हम ये एपीआई का यूज़ करेंगे इदामा। तो देखते हैं इंस्टॉलेशन तो और कितना टाइम लगेगा। ओके, इंस्टॉल हो गया है देखो, ठीक है। तो अभी हमको इस फोल्डर में जाना होगा, सो मैं यहाँ से जाता हूँ ओपन फोल्डर, और हमारा रेसिपी ऐप, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला है, ये नया वाला जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो हम ये फोल्डर में आ चुके हैं। और फिर से टर्मिनल ओपन करना होगा, तो कंट्रोल और बैक टिक की, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। ये सारे सोर्स फाइल्स हैं, सो इस फोल्डर में अगर जाते हो SRC फोल्डर में, तो ये सारे फाइल्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर हमको लिखना होगा npm start, तो ये प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। भी लोकल होस्ट 3000 पे मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अभी नया वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि इस फाइल में कुछ भी नहीं है, ये स्टार्टर है। सो अभी जो फाइल्स नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐप डॉट जेएस में आना होगा, और पहले तो लोगो डॉट svg ये निकाल देते हैं, और इसके बाद यहाँ से ये हेडर वगैरह को नहीं चाहिए ऐप डॉट जेएस से, तो इसको भी निकालते हैं इस तरीके से। क्लास नेम वगैरह नहीं चाहिए, और ये लोगो निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। फूड रेसिपी सेव करके अगर मैं ब्राउजर पे जाता हूँ तो आप देखिएगा फूड रेसिपी, ठीक है। और अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, फूड रेसिपी तो निकाल देते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे एक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के अंदर हम लेंगे इनपुट, टाइप होगा टेक्स्ट, और इसको बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बटन लेंगे, सो बटन टाइप होगा बटन, और ये होगा सर्च। इसको अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा इनपुट टाइप, इनपुट और सर्च। काम करते हैं, यहाँ पर जो क्लास नेम था इसको रखते हैं, तो सेंटर में आ जाएगा शायद। ये क्लास क्या था, ऐप, ये कैपिटल तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। फिलहाल सेंटर में रखते हैं, बाद में जब मैं मटेरियल यूआई का यूज करूंगा तो ये सारा क्लास वगैरह निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम ये एपीआई का यूज करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन ये एपीआई को कॉल करने के लिए हमको यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अभी आप सोचोगे कि यूज इफेक्ट क्या है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो यूज इफेक्ट का यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा कॉमा देके यूज, पहले तो यूज स्टेट भी यूज करना पड़ेगा और यूज इफेक्ट, ये दोनों हमको लगेंगे, तो यूज इफेक्ट, ठीक है। अभी यूज इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर इस फंक्शन के अंदर मैं यूज इफेक्ट लिखता हूँ, और ये यूज इफेक्ट लेगा एक एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल लॉग इफेक्ट रन्स, ओके ये हो गया। अभी यहाँ पर फॉर्म के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ, और बटन में
बटन के ऊपर मैं यहाँ लिखूंगा एक काउंट वेरिएबल, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा यूज स्टेट का यूज करके। सो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू, इसके अंदर हमारा फंक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना होगा कॉन्स्ट, और काम करते हैं ऐसे नहीं, ऐसे समझाता हूँ आपको। यू स्टेट, और यू स्टेट में इनिशियल वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा एक एरे जिसमें होगी दो वैल्यूज, सबसे होगा पहले होगा काउंट वेरिएबल, और ये होगा सेटर फंक्शन जो कि होगा सेट काउंट, ठीक है, और इसे एक वेरिएबल स्ट्रिंग में, इसे एक वेरिएबल कीवर्ड में स्टोर करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा कॉन्स्ट। तो ये हो गया वेरिएबल का नाम, ये होगा सेट, ये हो गया सेटर फंक्शन। सो अभी हमने यहाँ पर काउंट को यहाँ पर शो करने के लिए लिख दिया है। अभी यहाँ पर ऑन क्लिक में हम लिखेंगे एक एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट काउंट, सेट काउंट काउंट प्लस वन, ठीक है, जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये काउंटर चलेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, और अभी चलते हैं ब्राउजर में, और इसको मैं ओके, इसकी इनिशियल वैल्यू काम करते हैं जीरो करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जीरो दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ, और चलते हैं कंसोल में, इसको निकाल देते हैं, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला जैसे ही हमारा ऐप माउंट हुआ तो यहाँ पर ये इफेक्ट रन हुआ, ठीक है, यूज इफेक्ट रन हुआ, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप यू इफेक्ट रन को देखना, वो बढ़ते जाएगा उसका काउंट। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर काउंट वन हुआ, देखो यहाँ पर रन हुआ इफेक्ट, ठीक है, या दो हो गया, ठीक है, तीन हो गया, चार हो गया। तो जैसे जैसे री रेंडर होता है अपना एप्लीकेशन, वैसे वैसे ये यूज इफेक्ट रन होता है। तो अगर आपको सिर्फ इसको एक ही बार रन कराना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर कॉमा दे के एम्प्टी एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, और अभी चलते हैं ब्राउजर में, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बार ये इफेक्ट रन हुआ, ये यूज इफेक्ट जो है वो पहली बार रन हुआ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी रन नहीं होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर काउंट वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, लेकिन यहाँ पर वो इफेक्ट रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये एम्प्टी एरे दिया है, ये एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। और अगर आपको इस काउंट पे ही ये इफेक्ट को रन कराना है तो इसको यहाँ पर लिखना होगा काउंट, ये वेरिएबल का नाम हमको देना होगा। सेव करते हैं, और अभी चलते हैं ब्राउजर में, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन माउंट हुआ तो ये इफेक्ट रन हुआ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी काउंट लिखी है जो ये वेरिएबल का नाम। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि इफेक्ट रन हुआ, टू थ्री फोर, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये काउंट का स्टेट चेंज हो, ठीक है, और तभी हमको ये यूज इफेक्ट रन कराना है, तो हमको ये डिपेंडेंसी यहाँ पर इंसर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिपेंडेंसी को इंसर्ट करते हैं, फिलहाल के लिए हम निकाल देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ बताने के लिए था कि यूज इफेक्ट का क्या यूज है, वो तो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये यूज इफेक्ट, ये काउंट वेरिएबल वगैरह निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बटन भी निकाल देता हूँ, ये काउंट भी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं, अभी हम एक कॉन्स लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे इसका एपीआई एप्लीकेशन आईडी, तो ऐप आईडी जो कि इक्वल होगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं, और दूसरा होगा कॉन्स्ट ऐप की, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। अभी हमको जाना होगा एपीआई डेवलपर पोर्टल में, और हमको रेसिपी सर्च नहीं, हमको जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर रेसिपी सर्च एपीआई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमको एक यूआरएल लगेगा, ठीक है, ये वाला, ये यूआरएल की हमको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पहले
हम इंस्टॉल करेंगे एक्सियोस, क्योंकि हमको ये एपीआई को कॉल करना है एक्सियोस के थ्रू, ठीक है। रेगुलर फेच मेथड से हम नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सियोस। तो मैं काम करता हूँ, इसको टर्मिनल को स्टॉप करता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, और यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो अगर आपको एक्सियोस के बारे में कुछ जानना है तो एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस ये देखो यहाँ पर एक्सियोस के बारे में है। सो ये हमने किया है npm। इससे क्या होता है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसको जिससे हमको डेटा मिल जाएगा। प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर द ब्राउजर एंड नोड JS, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो गया, एक बार स्टार्ट कर देता हूँ मैं npm स्टार्ट। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसको बंद करता हूँ। और यहाँ पर हमको लिखना होगा इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, ये हो गया इम्पोर्ट। अभी यूज इफेक्ट के अंदर हमको एक फंक्शन डालना होगा, लेकिन वो पहले फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं फंक्शन पहले क्रिएट करता हूँ, गेट रेसिपी, गेट रेसिपी, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसमें एरो फंक्शन होगा। और इसके अंदर हमको एक वेरिएबल लेना होगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू। और अभी यहाँ पर हमें एसिंक अवेट का यूज करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिंक, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अवेट, ठीक है। तो जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, तब तक ये वेट करेगा। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा एक्सियोस डॉट गेट गेट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमको गेट रिक्वेस्ट करनी, अभी हमको ये यूआरएल लगे, तो काम करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, डबल कोट से वहां से कॉपी करना होगा हमको एंटर। तो मैंने कॉपी किया, और इसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हमको तो पेस्ट करना है, ठीक है। ओके, डबल कोट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से। लेकिन यहाँ पर डबल कोट्स की जगह पे मैं यूज करूंगा बैकटिक की, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। सो डबल कोट्स निकाल देते हैं, और टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करने के लिए, बैकटिक की यूज करने के लिए टैब की के ऊपर जो की है उसको यहाँ पर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकटिक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अभी ऐप आईडी यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो वहाँ यहाँ पर हम ऐप आईडी यूज कर सकते हैं, और ऐप की भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ पर हमारा ऐप की भी आ गया, ठीक है। और अभी हम कंसोल करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है उसको हम कंसोल करते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, पहले तो एक काम करते हैं, ये जो फंक्शन बनाया है इसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पर कॉल किया, इसको सेव किया, कंपाइल हो रहा है, ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं कि हमको डेटा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें लिमिटेड रिक्वेस्ट है। तो देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गया ऑब्जेक्ट, और इसमें जो डेटा है ये सारा है डेटा। हमको हिट्स की जरूरत लगेगी, तो डेटा के अंदर हिट्स है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट हिट्स, तो मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पर सारा डेटा मिल जाएगा जिसमें है रेसिपीज, ठीक है। देखो यहाँ पर कितनी कैलोरीज है जो कि हम यूज करने वाले, इमेज हम यूज करने वाले, लेबल यूज करने वाले, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले जो कि एक एरे में है, ठीक है। सो हमको यहाँ पर डेटा फेच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस यूआरएल से एक्सियोस का यूज करके डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक यू स्टेट का यूज करते हैं। सो यू स्टेट, और यू स्टेट के अंदर हम लेंगे एक एम्प्टी एरे, और ये रिटर्न करेगा, यू स्टेट रिटर्न करेगा एरे, ठीक
जिसमें होगा वेरिएबल का नाम जो कि है रेसिपी, और सेटर फंक्शन होगा सेट रेसिपी, ठीक है, और इसे कीवर्ड में स्टोर करना होगा, सो कॉन्स्ट, ठीक है। और ये जो सेट रेसिपी है इसको यहाँ पर हमको लिखना होगा सेट रेसिपी, और यहाँ पर देना होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट हिट्स, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी डेटा है जो हिट्स में वो इस रेसिपी में सेव हो जाएगा, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी ये रेसिपी को हम मैप कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पर नहीं करना है मैप, रेसिपी का एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। सो सोर्स फोल्डर में राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे क्रिएट करता हूँ, और रेसिपी डॉट जेएस ये बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखूंगा RAFCE, फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए। RAFCE टाइप करके मुझे ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है, रेसिपी कंपोनेंट। तो आप सोच रहे होंगे शॉर्टकट कैसे यूज किया, तो यहाँ पर वो एक्सटेंशन है ES, देखो ये वाला, तो आपको ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, और इसको अनेबल करना है। जैसे आप अनेबल करोगे तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो, मोस्टली तो मैं यही यूज करता हूँ, ठीक है, और ये अच्छा भी है। सो ये हो गया हमारा रेसिपी, और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, यार इसको बंद कर देता हूँ, बहुत सारा बन है यहाँ पे। सो मैं इम्पोर्ट रेसिपी फ्रॉम डॉट स्लैश रेसिपी, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, इसको सेव करते हैं, और अभी चलते हैं ब्राउजर में, तो आप देखो यहाँ पर रेसिपी का टेक्स्ट शो हो रहा है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको निकालते हैं और काम करते हैं, पी टैग में हम लेंगे टाइटल, ये सारे प्रॉप्स यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ सारे प्रॉप्स अपने को डिफाइन करने हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या क्या हमको चाहिए, ठीक है, कैलोरीज, फिर हमको लगेगा इमेज, सो इमेज के लिए चलो पी टैग में नहीं डालते, इमेज तो ऐसे ही डाल देते हैं, इमेज SRC इक्वल्स टू इमेज, ठीक है, ऑल टैग भी डाल देते हैं, ऑल टैग को डबल कोट्स में ही रखते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं एप डॉट जेएस में और मैप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। सो रेसिपी को हम मैप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कर्ली ब्रेसिस के अंदर, इसको छोटा करते हैं, हम लिखेंगे रेसिपी डॉट मैप, और मैप के अंदर होगा एक एरो फंक्शन, ठीक है, और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पर रेसिपी को पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम सारे प्रॉप्स पास करेंगे। सो पहला है टाइटल, और टाइटल होगा हमारा रिस्पॉन्स, सॉरी रेसिपी, ठीक है ना, रेसिपी, एक मिनट पहले यहाँ पर देख लेते हैं, रेसिपी के अंदर, रेसिपी के अंदर हमको क्या चाहिए, लेबल, ठीक है, सो यहाँ पर हमको लेबल चाहिए, तो रेसिपी के अंदर रेसिपी एक काम करते हैं, यहाँ पर रेसिपी हमको डालना होगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, रेसिपी के अंदर जो ये रेसिपी है ये आएगा, ठीक है, ये वाला जो रेसिपी है वो आएगा, और डॉट लेबल, ठीक है। फिर दूसरा है कैलोरीज, सो कैलोरीज इक्वल्स टू रेसिपी डॉट कैलोरीज, यहाँ पर कैलोरीज ही है ना, देख लो नाम CALORIES, परफेक्ट। अभी हमको इमेज लगेगा, सो इमेज इक्वल्स टू रेसिपी डॉट इमेज, देख लेते हैं इमेज का, ठीक है, इमेज ये, ठीक है, ये इसको सेव करते हैं, और उसके बाद चलते हैं रेसिपी में, और यहाँ पर हम सारे प्रॉप्स को डिस्ट्रक्ट करेंगे। सो पहला वाला है टाइटल, दूसरा है कैलोरीज, और तीसरा है इमेज, ठीक है, इमेज, तो यहाँ पर टाइटल आ गया, कैलोरीज आ गया, यहाँ पर इमेज आ गया, ये पहले से हमने डाल के रखा है, इसको सेव करते हैं, और अभी देखते हैं ब्राउजर में आ रहा है कि नहीं।
कैलोरीज इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है लगता है, कैलोरीज CALORIES, 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 इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करते हैं, अभी कंपाइल सक्सेसफुल आ रहा है, चलते हैं ब्राउजर में, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो भी शो हो रहा है, कैलोरी शो हो रही है, इमेज शो हो रहा है, तो ऑसम, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको इंग्रेडिएंट शो करने हैं, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट भी एक एरे में है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट को पास करते हैं, सो एज अ प्रॉप, सो इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट्स, एक काम करते हैं यार, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं वरना मिस्टेक हो जाएगा, इंग्रेडिएंट INGREDIENT, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, परफेक्ट था। रेसिपी डॉट रेसिपी डॉट इंग्रेडिएंट, ठीक है, इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये एज अ प्रॉप को यहाँ पर पास करते हैं, सो इंग्रेडिएंट, अभी इंग्रेडिएंट जो है वो एक एरे में है, अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो एक एरे में है, तो उसको भी मैप करना होगा। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, OL लेते हैं पहले, तो सॉरी OL, OL के अंदर इसको मैप करते हैं, सो इंग्रेडिएंट, ठीक है, डॉट मैप, और मैप लेगा एक एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम लेंगे एक सिंपल li, और यहाँ पर हम पास करेंगे वेरिएबल का नाम इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, बस इतना, इंग्रेडिएंट्स नहीं, एस नहीं आएगा, सिंगल चाहिए हमको, और इसको यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बन गया, सेव किया, और अब चेक करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है क्या, कुछ तो एरर आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, देख लेते हैं ब्राउजर में, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, वार्निंग चाइल्ड, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, कुछ तो गड़बड़ है, रेसिपी रेसिपी डॉट इंग्रेडिएंट, तो परफेक्ट है, इंग्रेडिएंट ऑफ मैप इज अ HTML टैग, ये OL का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको मैं निकाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, वैसे भी ये मटेरियल UI का यूज करेंगे तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ओके, ये अभी भी कुछ एरर आ रहा है इन द LI कॉम्पोनेंट, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मैं चेक कर लेता हूँ ये। ओके फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गई थी, एक काम, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सॉरी, ये यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट डॉट टेक्स्ट आएगा, यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट के अंदर एक टेक्स्ट है, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट आ गए, तो टेक्स्ट का मेरे को आपको बताना था कि कैसे वो मिस हो गया, रेसिपी के अंदर हम जाएंगे, अगर इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे, एरे के अंदर, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये डॉट टेक्स्ट लिखना जरूरी था, वो मैंने मिस कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट भी शो होने लगे, तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा फेच कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमको इसकी स्टाइलिंग करने से पहले एक और चीज करनी है, यहाँ पर अगर बाय डिफॉल्ट चिकन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च टर्म जो है वो चिकन है, ये क्वेरी हमको मिल रही है चिकन, इसलिए अगर यहाँ पर मैं कुछ और डालूंगा, लेट से अगर मैं बनाना डालता हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और अगर ब्राउजर पे जाऊँगा तो बनाने से रिलेटेड सारी रेसिपीज दिखने लग जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट जो थी वो चिकन थी, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करोगे और सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड अपनी रेसिपी शो होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेना होगा, और उसके अंदर कोई सर्च और सेट सर्च, ठीक है फ्रेंड्स, और यू स्टेट का यूज करना होगा, यू स्टेट, और सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, और अभी फॉर्म में जो भी हम टाइप करेंगे, ठीक है, ये जो भी फॉर्म में हम टाइप करेंगे वो सर्च में आना चाहिए, ठीक है, ये सर्च वेरिएबल में वो स्टोर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको लिखना होगा ऑन चेंज, ऑन चेंज, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे सर्च, ठीक है,
तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर वैल्यू शो होगी। लेकिन ऑन चेन्स में एक फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा, तो वो फंक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं रिटर्न के ऊपर। सो सर्च अपडेट सर्च फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम? अपडेट, चलो अपडेट सर्च ही रख देते हैं। और यहाँ पर कोई एरो फंक्शन लेना होगा और इसके अंदर हम पास करेंगे इवेंट। और यहाँ पर मैं कंट्रोल करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ये अपडेट सर्च को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अभी चलते हैं ब्राउजर में। अपडेट सर्च इज नॉट डिफाइंड, ओके कॉन्स्ट, ठीक है, सेव करते हैं। और अभी हम चलेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में आते हैं। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ यार। और यहाँ पर अगर मैं जो भी टाइप करूँगा, सपोज बी ए एन ए, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये टाइप हो रहा है, ठीक है, बी ए एन ए। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बन सके ना सर्च, ओके। हाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमको सेट सर्च लिखना होगा और ये जो वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर इसको सेट करना होगा। अभी अगर मैं इसको लिखूंगा बी ए एन ए, तो आप देखोगे यहाँ पर जो भी टाइप किया वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जो भी हमने यहाँ टाइप किया वो यहाँ पर सेट हो रहा है और ये जितना भी टाइप किया है वो सारा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सर्च वाले वेरिएबल में, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि यूज इफेक्ट में ये डिपेंडेंसी पास करेंगे तो ये री रेंडर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पास करता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा, सॉरी बनाना, तो ये देखो ये रिक्वेस्ट सेंड होते जाएगा होते जाएगा। जैसे ही कोई भी लेटर आप टाइप करोगे तो वो रिक्वेस्ट सेंड होते रहेंगे। तो हमको ये ऐप को बार बार री रेंडर नहीं करवाना है। हमको क्या करना है कि जैसे ही कोई सर्च पे क्लिक करेगा तभी वो क्वेरी रन होनी चाहिए और तभी वो ऐप री रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पास करना सही नहीं है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और उसकी जगह पे हम एक काम करेंगे, हम एक वेरिएबल यू स्टेट का यूज करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे। पहले तो इसको लेंगे एंटी स्ट्रिंग और ये रिटर्न करेगा एरे जिसमें दो वैल्यूज होगी। एक तो होगा वेरिएबल, तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे क्वेरी और सेटर फंक्शन का नाम लिखेंगे हम सेट क्वेरी, ठीक है। और इसको एक कीवर्ड वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो ये जो क्वेरी है वो हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। इसको मैं निकालता हूँ डॉलर साइन क्वेरी, इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो अभी जो तो भी वेरिएबल यहाँ है वो यहाँ पर आने लगे, जैसे चिकन था, अभी डायनामिक हो जाएगा ये। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे ऑन सबमिट के लिए। तो हमारा जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है वैसे ही वो फंक्शन चलेगा सबमिट, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट क्वेरी, ठीक है। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अपडेट क्वेरी देता हूँ। सो कॉन्स्ट अपडेट क्वेरी इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और इसमें भी हमको इवेंट पास करना होगा और डिफॉल्ट को प्रिवेंट करना होगा। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये उसको रिफ्रेश होने से रोकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमको लिखना होगा सेट क्वेरी इक्वल्स टू सर्च, तो जो भी सर्च में वैल्यू होगी वो इस क्वेरी में सेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो सेट हो जाएगा, कहाँ गया हमारा क्वेरी ये, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अगर ओके, अभी क्या करना है, जैसे ये क्वेरी को कोई मतलब जैसे ही कोई सर्च बटन पे क्लिक करेगा तभी ये रन होना चाहिए। तो उसके लिए क्वेरी, जब भी ये क्वेरी चेंज होगा, जब भी और क्लिक होगा तभी ये रीरेंडर होना चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पर क्वेरी को पास करना होगा। तो सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर में, एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओके, बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पर चिकन ही रखते हैं, ठीक है, वरना कुछ भी दिखेगा नहीं। इसको सेव किया, चलते हैं ब्राउजर में, तो बाय डिफॉल्ट चिकन है। और यहाँ पर अगर मैं बनाना लिखता हूँ, ये कंसोल है इसलिए आ रहा है, ठीक है। क्लिक किया, एक काम करते देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। सेट क्वेरी में
सर्च आ गया, तो बराबर है। ऑन सबमिट अपडेट क्वेरी, परफेक्ट हो गया। बस सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बनाना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑन सबमिट का ये बटन का जो टाइप है वो सबमिट होना चाहिए, बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, तो ये मिस्टेक कर दी थी हमने। और कंसोल लॉग से कंसोल लॉग निकाल देता हूँ, ठीक है। और अभी चलते हैं ब्राउजर में, और अभी मैं अगर सर्च करूँगा बनाना और एंटर करूँगा, सर्च करूँगा, तो आप देखोगे कि बनाना से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज है वो यहाँ पर शो होने लग गई, ठीक है। और एक चीज़, नेमिंग में थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये जो रेसिपी है जो हमने वेरिएबल लिया है इसको हम रेसिपीज कर देते हैं यार, ठीक है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रेसिपीज होना चाहिए, रेसिपीज में से हम रेसिपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नाम वो भी रखते हैं तो भी चलता है, लेकिन मैंने सोचा कि सही कर ही देते हैं यार, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसको सेव किया, और अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। मैं बनाना लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, तो बनाना से रिलेटेड सारी रेसिपीज आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं मिल्क लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो मिल्क से रिलेटेड सारा रेसिपी आ जाएगा। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो पूरा तो हो गया है, क्योंकि हमको जो जो चाहिए था वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि टाइटल हो गया, कैलोरीज हो गया, इमेज हो गया, उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, लेकिन हमको जैसी स्टाइल चाहिए वो नहीं है। तो हमको उसके लिए मटेरियल यूआई का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मटेरियल यूआई का यूज़ करूँगा, तो उसको यूज़ करने के लिए उसको इंस्टॉल करना होगा। तो अगर मैं मटेरियल यूआई पे जाते हैं, material-ui.com पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो उसका इंस्टॉलेशन आएगा। तो यहाँ पर इसको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं टर्मिनल को बंद करता हूँ, तो पेस्ट करता हूँ और एंटर, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल यू आई। अभी इसका स्टाइल भी स्टाइलिंग भी लेनी होगी, सो स्टाइल्स पे जाना होगा और बेसिक पे जाना होगा, और यहाँ पर npm इंस्टॉल इसको कॉपी करना होगा। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, बाद में ये वाला भी इंस्टॉल कर लेंगे। आइकन्स भी इंस्टॉल करने होंगे मटेरियल यू आई के, तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। बस ये दो तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है, और एक रोबोटो फॉन्ट वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इंस्टॉल कर लिया, स्टाइल्स भी इंस्टॉल कर लिया। अभी हमको आइकन्स लगेगा, लेकिन आइकन से पहले काम करते हैं, इंस्टॉलेशन पे आते हैं। और यहाँ पर जो रोबोटो फॉन्ट है उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फाइल्स में आते हैं, पब्लिक फोल्डर में जाएंगे, index.html में आएंगे, और मैनिफेस्ट के बाद इसको पेस्ट कर लेंगे, इसको सेव करते हैं, ठीक है। रोबोटो फॉन्ट आ गया अपना। उसके बाद आइकन्स लगेंगे, सो ये हमारे आइकन्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये एक बार इंस्टॉल हो जाए, बाद में ये इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, इंडेक्स का HTML का काम हो गया, ये आइकन्स के लिए हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये तीन चीज़ की ज़रूरत थी और रोबोटो फॉर्म, तो ये सारा इंस्टॉल हो गया। अभी हम मटेरियल यूआई पे काम करेंगे, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको लगेगा कंपोनेंट्स में चलते हैं और ये टेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं, ठीक है। हमको टेक्स्ट फील्ड में से सबसे जो लास्ट वाला है वो हमको लगेगा, तो लास्ट में है हमारा ये वाला, तो ये कोड हमको लगेगा, ठीक है। हमारा सर्च कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ये सब निकाल देंगे हम, सिर्फ यहाँ पर ये प्लेस होल्डर रहेगा और सर्च का आइकन रहेगा। उसको मैं एक्सपांड करता हूँ, एक बार इंस्टॉल हो जाए, ये सारा कॉपी कर लेते हैं, पहले जितना चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो npm स्टार्ट। ओके आ गया, ठीक है। तो अभी app.js में आना होगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, जो भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर से यहाँ पर मटेरियल यूआई के वेबसाइट पे, और ये जो क्लास है CSS ये हमको कॉपी करनी होगी, और इस फंक्शन के ऊपर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लास है कॉन्स्ट क्लासेस,
कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और ये पूरा का पूरा ले लिया पेपर वाला। और जो फॉर्म था अपना, इसको मिनिमाइज करता हूँ यार, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। जो फॉर्म है उसकी जगह पे ये आएगा, लेकिन मैं एक एक करके उसको निकाल के सही करता हूँ, ठीक है। अभी जो जो चीज़ें नहीं चाहिए पहले वो निकालते हैं यार, ठीक है। अगर इसको मैं सेव करूँगा तो देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं कंपाइल हो रहा है यहाँ पर। कंपाइल हो गया मेरे ख्याल से, ओके। तो ये देखो यहाँ पर आ गया सारा स्टाइलिंग के साथ। तो अभी जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो पहले निकाल देते हैं, फिर इसको रिप्लेस करते हैं इससे। तो ये आइकन बटन नहीं चाहिए तो इसको निकाल दिया, डिवाइडर नहीं चाहिए निकाल दिया, सर्च आइकन चाहिए रखते हैं, इनपुट बेस ये चाहिए, ये आइकन बटन, ये मेन्यू वाला नहीं चाहिए, इसको निकाल दिया। अभी फॉर्म, ये देखो ये कंपोनेंट इसका फॉर्म ही है तो ये सही है। सिर्फ ये ऑन सबमिट जो है वो हमको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ऑन सबमिट का फंक्शन लिख दिया, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी, इसको कट किया और यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म टैग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन सबमिट आएगा। अभी इनपुट में जो भी था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इनपुट में यहाँ पर है टाइप टेक्स्ट वैल्यू सर्च और ये ऑन चेंज, ये तीनों हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए बराबर, ये फॉर्म को, ओके। ये बटन भी है तो टाइप सबमिट है, सर्च है, ये परफेक्ट है। ये फॉर्म को मैं कमेंट करता हूँ और ये जो क्लास नेम है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ और अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है सारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया और ये जो सर्च है वो हमारा सर्च इनपुट कुछ ऐसा दिखने लग गया। अभी मैं बनाना लिखूंगा अगर और इस पर क्लिक करूंगा, देखो बनाना की रेसिपी आ गई, ये परफेक्ट हो गया। अभी इसको सेंटर में करना था वो देखते हैं, पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, स्टाइल लिखते हैं और इसको पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग हो जाएगा हमारा 10 px, तो सेव किया। तो आप देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, पैडिंग या मार्जिन आप कुछ भी दे सकते हो, मार्जिन भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मार्जिन भी दोगे तो चलेगा। और यहाँ पर अगर मैं जस्टिफाई सेंटर देता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। एक काम करते हैं इसको, ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको जस्टिफाई सेंटर नहीं लग रहा है तो ये निकाल देते हैं। और ये जो क्लास है इसके कहाँ गया, इसका CSS ऊपर हमने CSS दिया, ठीक, ये डिवाइडर वगैरह का CSS हम निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आइकन बटन वगैरह ठीक है, इनपुट ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर हम काम करते हैं मार्जिन यहाँ पर ही दे देते हैं, 0 0 नहीं, 10 pixels और ये ऑटो, ठीक है। और जो मार्जिन हमने यहाँ दिया था वो निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा हमारा। तो आप देखोगे कि सेंटर में भी आ गया और इसको मार्जिन भी लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया परफेक्ट। अभी हमको ये वाला स्टाइलिंग करना है इसका, तो ये तो अपना बराबर हो गया। सर्च गूगल मैप की जगह पे हमको लिखना है सर्च फॉर रेसिपी, सर्च फॉर रेसिपी, यहाँ पर सर्च फॉर रेसिपी, ठीक है, इसको सेव किया, सर्च फॉर रेसिपी, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अभी हमको इसको स्टाइल करना है तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अच्छा यहाँ पर ओके, एक और चीज़ करनी थी मुझे, डिवाइडर इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये सारा निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है उसको आप निकाल सकते हो, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट हो गया। और यहाँ पर हमको की डालनी होगी वरना वो एरर देगा कि, एक सेकेंड, देखो अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ये बार बार आता रहेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पर की डालनी होगी जो कि होगी रेसिपी डॉट रेसिपी
डॉट लेबल, ठीक है, ये दे देते हैं क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। तो अभी वो एरर आना बंद हो जाएगा, और उसके बाद अभी हमको ये वाली स्टाइलिंग करनी है, राइट। और वो सारा है रेसिपी में, तो पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, बाद में ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके ये साइड बाय साइड कर लेंगे, ठीक है। रेसिपी डॉट जे एस में आना होगा, और हमको यूज़ करना है सरफेस में आना होगा, और कार्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो कार्ड जो हम यूज़ करेंगे वो है ये वाला, ठीक है। तो क्लिक किया, ठीक है, तो ये ले लेंगे यहाँ से। इस पर भी बहुत कुछ है, जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया, ये रेसिपी डॉट जे एस में आना होगा, ठीक है। आपको इसका जो स्टाइलिंग है वो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया। इसके बाद ये जो वेरिएबल्स है इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर यू स्टेट, ठीक है, यू स्टेट, ज़रूरत नहीं है नीचे डालने के लिए, यहाँ पर भी डालोगे तो चलेगा, यू स्टेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और उसके बाद अभी हमको ये कार्ड लेना होगा पूरा, जो जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो निकाल देंगे, ठीक है। तो कॉपी किया, और इस डिव के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। तो अभी इसमें बहुत कुछ है जो हमको निकालना है, तो सेव करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हैंडल एक्सपांड क्लिक इज नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड, कोई फंक्शन मिस हो गया क्या? ओके, ये वाला देना होगा ना, हैंडल क्लिक फंक्शन, रिटर्न के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इसको सेव किया। ओके, अभी चलेगा सब, ठीक है, हमारा कार्ड कंपोनेंट आ गया। लेकिन इसमें अभी हमको ये वाला जितना भी हमने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर जो शो हो रहा है वो यहाँ पर अपने को शो करना है। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए। टाइपोग्राफी में ये सब चीज़ें निकालता हूँ मैं, यहाँ तक निकाला, और ये भी निकाल देते हैं, और यहाँ पर चलो ये रखते हैं। इतना धीरे धीरे करते हैं क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो जो चीज़ें नहीं चाहिए पहले तो उसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए अवतार, ये एक्शन सेटिंग ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये टाइटल जो है वो हमारा टाइटल होगा, तो इसको मैं निकाल के हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, TITLE, ठीक है। और एक मिनट, पहले मैं सेव करके चेक कर लेता हूँ यार, टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो टाइटल भी, सब टाइटल में हमारी कैलोरीज आ जाएगी। सब टाइटल, सब हेडर को निकालता हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैलोरीज, ठीक है। मीडिया में हमारा इमेज आ जाएगा, इमेज, टाइटल में फिर से टाइटल, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में। देखो टाइटल आ गया, कैलोरीज आ गया, इमेज भी आ गई, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन में निकाल देता हूँ, और अभी ये फेवरेट आइकन वगैरह ये भी नहीं चाहिए, शेयर बटन वगैरह भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंग्रेडिएंट। तो सेव करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इंग्रेडिएंट्स का टेक्स्ट शो हो रहा है, क्लिक किया। अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स दिखने चाहिए अपने, ठीक है। इंग्रेडिएंट दिखाने के लिए मुझे ये वाला जो है मैप का छोटा कॉपी करना पड़ेगा यार, ये इसको कॉपी किया। अभी ये थोड़ा देखना पड़ेगा कंटेंट के अंदर आए, और ये जो टाइपोग्राफी है ये ले लिया, और LI की जगह पे टाइपोग्राफी डाल दिया, कॉपी किया, पेस्ट।
सॉरी फ्रेंड्स, इसको बंद करो। ये इंग्रेडिएंट लिया, यहाँ से कॉपी किया, कंटेंट में गए, टाइपोग्राफी को लिया। एक काम करते हैं, ये इंग्रेडिएंट ही इसके अंदर डाल देते हैं। नहीं, यहाँ पर ये टाइपोग्राफी एल आई की जगह पे आएगा, ठीक है। पैराग्राफ, और ये टाइप, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ। अभी ये परफेक्ट चलेगा। इसको सेव किया, और ये जितना भी था इसको मैं कमेंट ही करता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं कि सब सही आ रहा है कि नहीं। तो ये आने लग गया, ये देखो, ये सारा इंग्रेडिएंट वगैरह शो हो रहा है। परफेक्ट हो गया यार, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। और अभी काम करेंगे, ये जो अवतार वगैरह जो डिफाइन नहीं है वो निकालते हैं ऊपर से, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। फेवरेट आइकन ये भी नहीं चाहिए, सेव करते हैं। कुछ मिसिंग है क्या? अवतार, ओके, अवतार नहीं चाहिए, ये अवतार नहीं चाहिए। रेड कलर भी निकालना होगा, ठीक है। ये सारा थोड़ा क्लीन अप करना पड़ता है, जो जो चीज़ें नहीं चाहिए होती है तो। और ये जो है मैक्स विड्थ, इसको हम 325 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्या हो गया? कभी कभी इसमें रिक्वेस्ट जो है वो लिमिटेड है, तो शायद वो भी एक इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये तो बराबर चल रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी सारा हमारा इंग्रेडिएंट्स के साथ शो हो रहा है, एक बार टाइप करके देख लेते हैं। बनाना परफेक्ट, ठीक है। अभी इसको साइड बाय साइड करना है, तो उसके लिए मुझे चलना होगा विजुअल स्टूडियो कोड में, और ऐप डॉट जेएस में आना होगा, और यहाँ पर ग्रिड का यूज़ करना होगा। सो मैं काम करता हूँ, ये ऑनलाइन को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ लिखेंगे ग्रिड और यहाँ लिखेंगे ग्रिड, ठीक है। ग्रिड सिस्टम का यूज़ करना होगा। और अभी नीचे आते हैं, और ये जो रेसिपीज है इसको ग्रिड में डालना होगा। सो ग्रिड कंटेनर, ग्रिड को बंद किया, इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पे मुझे लेना होगा फिर से ग्रिड आइटम इक्वल्स टू, हम लेंगे चार आइटम, फोर या थ्री लेंगे, चलो ठीक है। तो एक उसमें तीन, मतलब थ्री, ठीक है, थ्री लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इतना लेके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ग्रिड बंद होगा रेसिपी के बाद, तो सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर आ गया, लेकिन गड़बड़ हो गई है, ग्रिड ये भी कंटेनर लेना होगा शायद, कंटेनर नहीं, ग्रिड ही लेते हैं, आइटम थ्री। और भी कुछ है शायद ग्रिड में? एक मिनट, ग्रिड का देख लेते हैं एक बार, ग्रिड 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 ग्रिड, देखो यहाँ पर है ग्रिड, नहीं डेटा ग्रिड है ये, सॉरी। ग्रिड हमको मिल जाएगा, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पहला वाला, ओके। हमको देना होगा एक्सेस, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेस, और यहाँ पर हमको देना होगा थ्री। मैंने गलती से आइटम को दे दिया, आइटम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको सेव किया और अभी चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि जैसा हमारा ऐप था वो यहाँ पर शो होने लग गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा मार्जिन स्पेसिंग कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो स्पेसिंग के लिए मैं लिखूंगा, काम करते हैं इसके ऊपर, एक डिव लेते हैं, इसके ऊपर एक डिव लिया। यहाँ पर जो है स्टाइल लिखते हैं, इनलाइन स्टाइल देने के लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम देंगे, चलो मार्जिन देकर देखते हैं कितना
मार्जिन से काम नहीं बनता है तो पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये डिप को यहाँ पर से क्लोजिंग निकाल के पेस्ट किया, देखते हैं ब्राउजर में चलते हैं। तो यहाँ से फेसिंग तो इसको आ रहा है, मेरे ख्याल से इसको मार्जिन भी लगना चाहिए था। ओके ओके, यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो ये जो रूट है, जो क्लास बनी हुई है, इसमें मार्जिन देते हैं, ठीक है। सो मार्जिन टॉप और बॉटम से देंगे हम, चलो 10 पिक्सल देते हैं, और राइट और लेफ्ट से 0। इसको कॉमा दिया, सेव किया, अभी देखते हैं, नहीं लग रहा है। ओके मार्जिन यहाँ पर ऑलरेडी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा ऐसे, रेसिपी में हमको देना होगा मार्जिन, ठीक है। सो यहाँ पर देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल्स 0, ठीक है। इसको सेव किया, तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है मार्जिन, इसको लग रहा है, देखो यहाँ पर टॉप और बॉटम से मार्जिन, इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर मैं 15 देता हूँ और अगर सेव करता हूँ तो इसको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लग गया, और अभी ये अच्छा भी लग रहा है। तो मैं यहाँ पर बनाना लिखता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ, तो बनाना से रिलेटेड जितने भी रेसिपीज है वो शो होगी, और इसके इंग्रेडिएंट यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से ये शो होगा। तो इस तरीके से हमने अपना ऐप जो है कंप्लीट कर लिया, एक फूड रेसिपी ऐप बन गया है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप डेटा फेच कर सकते हो एक्सियोस का यूज़ करके, और मटेरियल यूआई का यूज़ करके आप कैसे इसको बना सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मटेरियल यूआई का जो सेक्शन था वो थोड़ा मैंने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ अगर समझाने जाता कि ग्रेड सिस्टम ऐसा होता है तो टाइम लग जाता, ठीक है। आप उसका डॉक्यूमेंट पढ़ के भी देख सकते हो कि वो लोग ने कैसे यूज़ किया है, ठीक है। कोई और लेक्चर में मैं आपको पूरा मटेरियल के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल स्टाइलिंग कैसे करते हैं मटेरियल में और कैसे यूज़ करते हैं कार्ड वगैरह इमेज के लिए, ये वो सब मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ बाकी रह गई, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बनाना लिखा है यहाँ पर, वो दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो शो हो रहा है, पर ऐसा नहीं चाहिए, ये चला जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे आना होगा app.js में, और यहाँ पर जैसे ही क्वेरी अपडेट होती है तो सेट सर्च में मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। जो अपना सर्च है उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। तो अगर अभी आप बनाना लिखोगे और मैं इंटर करूंगा तो देखो बनाना चला गया, लेकिन रेसिपी हमारी आ गई, ठीक है। तो ये एक चीज़ करनी थी तो वो मैंने कर दी। तो इस तरीके से अपना एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में और किसी और सीरीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।